मैं तो बस भाई वो व्यू देखने आया था हम जाए ये बेगूसरा तब छठी मोबाइल डाली है तोरा एक 17 R15 सिद्धार्थ खुराना को भाई R1 बिल्कुल चलाने में मजा नहीं आ रहा है। सो गाइस आज हम लोग निकल पड़े हैं भाई सुबह आज इट संडे और बहुत दिन से यार ब्लॉग्स नहीं बना रहा था और क्योंकि भाई गर्मी बहुत पड़ रही है, सिंपल सी बात है। और इसीलिए भाई बहुत सुबह में निकल रहे हैं संडे राइड पे। अभी हम लोग चलेंगे सुभाष चौक पे और वहीं पे यार शिवम भैया आ रहे हैं BR मोटो ब्लॉग्स, तो उनको भी साथ करते हैं। कल शाम में मैंने डिसाइड किया था कि भाई मतलब संडे है एंड मॉर्निंग में चलेंगे बिल्कुल सुबह में घूमने के लिए, तो फिर मैंने शिवम भैया को बोला, उनसे भी पहले नहीं मिला है तो उनको भी बुलाया अभी सुभाष चौक पे, वहीं पे हम रुकते हैं, वो भी आएंगे एंड उसके बाद हम लोग निकलेंगे भाई अपने राइड पे। देखते हैं भाई जितना जल्दी शिवम भैया आ जाए जल्दी से उनके साथ चल देंगे भाई, क्योंकि मेरे को सनराइज़ देखना है भाई। कितना दिन हो गया भाई सनराइज़ देखे हुए, भाई 5:02 हो गए, लगभग 4:50 में यार सनराइज़ होना था, तो अपन 10-15 मिनट लेट है अभी। शिवम भैया को भी आने में 5 मिनट तो लगेगा ही एंड उसके बाद निकलते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, सुबह घूम लेंगे यार जहाँ तक जाना होगा। हाँ प्यारा स्काई लग रहा है पूरा भाई, देखो पूरा चिड़िया और यहाँ देख रहा है, गजब व्यू आ रहा है। तो भाई शिवम भैया भी आ चुके हैं पूरा बाइकर्स जैकेट वगैरह वगैरह में। अरे साला मैं तो बस भाई वो व्यू देखने आया था हम, सेक्सी व्यू पूरा, क्या मतलब कभी कभी तो देखने को मिलता है भाई उतना प्यारा व्यू, उधर पे देखो पूरा यार। थोड़ा देर पहले बस 5 मिनट पहले मैं तो निकल गया था, एडवाइजर लगाने दो, और शिवम भाई को थोड़ा सा टाइम लग गया आने में, कोई नहीं। वही तो व्यू आ रहा कितना प्यारा भाई, शिवम भाई भी बता रहे अपने ब्लॉग में कि यार व्यू आ रहा बहुत प्यारा भाई। मेरे ख्याल से ये वाला टूल टैक्स थोड़ा सा और आगे होना चाहिए था, क्योंकि आसपास में बहुत सारा गांव है, तो अगर किसी को कुछ भी लेना है अगर फोर व्हीलर से आना तो भाई टूल टैक्स होके आना पड़ेगा, तो भाई फिर उनको लग जाएंगे भाई टैक्स, तो थोड़ा सा और आगे होता तो सही होता भाई लोकल लोगों के लिए, कि भाई वो आसानी से फोर व्हीलर से बार बार मार्केट आ सकते थे, लेकिन अभी यार दिक्कत है उनको। टूल टैक्स पहुंच गए, शिवम भाई को बोला भाई चाय पीते हैं कहीं रुक के, बोले ठीक है। हाँ अभी से पूरा लुक में आ रहे हैं, कहूँ कि नहीं लोकले में। हाँ संडे रहे घूम ले चाहिए दो चाय बनाई हो बढ़िया। हाँ वही से संडे रहे ये बेगूसरा तब छठी मोबाइल डाली है तोरा बाघा में बाघा बाघा हाँ हमरो लग जरा दी छे बाघ जब घूमते रहे छे सब दिन। अच्छा अभिषेक नाम छे गाइस। हम लोग चाय पी लिए एंड शिवम भैया से यार अच्छा खासा बात भी हो गया, बात करने का मतलब क्या सीन है क्या सब चल रहा है, क्योंकि यार जब दो लोग मिलते हैं तो भाई बातें एक्सचेंज होती हैं एंड उससे भाई बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उनको बोल रहे थे भैया हम अकेले पड़ जा रहे हैं ब्लॉग सही से कर नहीं पाते क्योंकि अकेले में मज़ा नहीं आ रहा है, तो बोले भैया जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अकेले तो करना ही पड़ेगा, किसी के भरोसे रहेगा आज जाएगा कल नहीं जाएगा, तो जितना जल्दी सीख जाएगा ये चीज़ कि मतलब अकेले करो भाई, बस ये सोच के चलो कि हमको अकेले करना है, तो ये चीज़ भैया बहुत सही बोले यार। देखते हैं हम लोग, देखो अभी लॉन्ग ट्रिप नहीं कर पा रहे हैं लेकिन जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा मेरा, अभी 1 मंथ एग्ज़ाम चलेगा, लगभग 15 जुलाई तक मेरा एग्ज़ाम चलेगा, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसके बाद पहला तो यार एक लॉन्ग ट्रिप तो करना है अपने को। यहाँ से देखो बहुत प्यारा व्यू आ रहा है,
चलिए आराम से जादे ने एडवेंचर बाइक है रेसिंग ने। चलिए 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 मेरे से 115, 117 आज तक के भाई सबसे टॉप स्पीड में तेरा भाई कभी भी नहीं गया भाई 117 तक। अरे भाई साहब मजा आ गया भाई मजा, इधर पे आने का अलग मजा है। मेरा 117 तक गया था। 117 तक गया, 17 इसका वही 120-124 स्पीड है लिमिट। मजा आया भाई आज चला के, क्योंकि इतना स्पीड भाई पहली बार चलाया भाई, लिटरली सही बता रहा हूँ 117 भाई अपने बाइक से कभी नहीं गया, अपने बाइक से तो नहीं गया तो मतलब किसी बाइक से नहीं गया। सो मजा आया भाई, पीछे में अगर कोई और आता ना तो भाई 120 आज कर देता, क्योंकि यार मेरा वेट देखो भाई थोड़ा सा कम है तो ग्रिप मेरे को मिल नहीं रहा था। अब मेरे को भाई 117 पे लग रहा है भाई बाइक हवा में उड़ रहा है, तो अगर ग्रिप रहता तो 120 आज कन्फर्म था। अभी हम लोग काफी दूर आ चुके हैं, यहाँ से बलिया लगभग 3 किलोमीटर है भाई। धीरे धीरे धूप भी बहुत हो रहा है, 8 बजे तक तो यार बहुत खतरनाक धूप हो जाता। बलिया लखविनिया आ चुके हैं हम लोग, एंड यार आगे से हम लोग अब टर्न करवा लेंगे, बहुत आगे आ चुके हैं हम लोग। सो गाइस हम लोग बलिया से मुड़ रहे हैं, एंड ओश भैया का उली देख लो, अपन कब सीखेगा भाई, सीख जाएगा धीरे धीरे, अभी तो स्टार्ट किया है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आना धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है भाई। बाइक पे मैं बहुत ज़्यादा डरता है बहुत, मैं को सामने वाला से इतना डर लगता है, मैं बहुत प्यारा बाइक चलाता है लेकिन सामने वाला को मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं भाई, कब रोड पे आएगा कब इधर करेगा, तो मैं अपना सेफ्टी खुद से रखता है कि भाई अगर कोई सामने से भी गलती कर रहा है ना तो खुद बच सकूं। भैया शिवम में निकल पड़े हैं भाई बहुत स्पीड में, बोले तुम आओ आराम से कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा वीडियो बना ले रहे हैं, बोले चलिए आप जाइए हम भी आ रहे हैं पीछे से। भाई जिसका जो काद है उसमें चलाओ, सिंपल सी बात है। मेरा मेरे को अगर लग रहा है मैं इस जगह पे 70 से ज़्यादा नहीं चलाऊंगा तो नहीं चलाऊंगा, मेरे को जब तक सेफ लगता है तभी तक मैं स्पीड चलाता है। हाँ वही है ऐसा, अब वही बोल हम वही बोल रहे हैं, नजर नहीं आ रही थी हमें कहाँ निकल गए। उधर से आ गए हम लोग, अब थोड़ा बहुत लोकल में घुमा लेते हैं मजा आ जाए जिससे। एक चीज तो यार मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि मॉर्निंग में राइड करने में मजा है, बहुत मजा है भाई, बहुत बहुत मजा है हम लोग का। शिवम भाई बोल रहे हैं भाई आज अरुण 5 को 145 पहुंचा है, कंटेंट भी मिल गया प्यारा सा एक। चलिए सो पहुंच चुके हैं जीडी कॉलेज, ये R15 सिद्धार्थ खुराना। बढ़िया लग रहा है नया वाला ने, कौन सा है एम। सो गाइस बहुत जल्दी हम लोग आ गए थे ट्रिप पे, तो शिवम भैया बोले चलो कहीं बैठते हैं हम लोग, तो आ चुके हैं सिटी कॉलेज। किधर निकल गए
अरे हमको दिख ही नहीं रहा है। रिएक्शंस भाई सब कोई हम ही को देख रहे हैं। सही है सो गाइस यार हम लोग निकल रहे हैं अब जीडी कॉलेज से। अब मेरे को भाई अरवन बिल्कुल चलाने में मजा नहीं आ रहा है। शिवम भाई ले गए भाई अपना एक्सपर्स। मेरे को भाई इस राइडिंग पोस्चर में यार बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। लिटरली लग रहा है पूरा सोया हुआ है भाई बाइक पे। बहुत दिक्कत हो रहा है इसमें। उसमें तो बहुत कंफर्टेबल फील होता है राइडिंग के टाइम। अरे भाई क्या बाइक अपन चलाते हैं भाई। एक्सपल्स को बिल्कुल अपराइट पोजीशन में, यहाँ पर मेरे को बिल्कुल झुकना पड़ रहा है। अरे यार जड़क भी बहुत लग रहा है भाई साहब। हाथ दर्द करने लगा मेरा तुरंत में। कैसे भाई कैसे लॉन्ग राइड कर सकता है यार तेरा बाइक। भाई अगर कोई लेता ना इतना आसान है ना चलाना, इतना आसान कोई भी आसानी से चलाते है। और लेकिन जो R1 नहीं चला रहा है अचानक फर्स्ट टाइम यूज करेगा ना भाई हालत खराब है मेरा लिटरली। शुरू में से तो मेरे से मुड़ ही नहीं रहा था जब कॉलेज से निकल रहा था। पूरा देख के मेरे को चलाना पड़ रहा है। शिवम भाई बोले थे लाओ एक्सपल्स चला के देखते हैं कैसा फील देता है। बोले चलाइए तो मेरे को भी लगा भाई R1 में भी फील आएगा। और मैं इसको इतना डर डर के चला रहा मेरे को बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। कि अपना बाइक जो है ना भाई कहीं से मैं किसी तरह से कुदका देता है जड़ कुर्क पता ही नहीं चलता है। इसमें बहुत ज़्यादा पता चल रहा है बहुत। हम लोग पहुंच चुके यार दी 09 कैफे सुमित भाई के पास। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं 09 कैफे दी 09 बाइकर के पास। BR मोटो ब्लॉग्स दोनों यहां पे आपको लिखा मिल जाएगा। हाँ यहीं पे अब रुकते हैं थोड़ा सा।